लगातार तलाश कर रही है और ऐसे कई अभी और अपराधी शामिल हैं विकास दुबे के साथ जिनको पुलिस तलाश रही है। और कानपुर से आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर में के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। जय वाजपेयी और उसके साथ ही राहुल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो जय वाजपेयी और उसके साथ ही राहुल ने फर्जी पास बनवाया था, विधानसभा सचिवालय का बनाया था फर्जी पास और अपनी गाड़ी पर उस पास को लगाकर रौब गांठा था जय वाजपेयी। और इस खबरों के न्यूज में बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था जिसका असर अब होता हुआ साफ तौर पर नजर आया है। काकादेव थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा और इस खबर को के न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था जिसका अब असर हो गया है। पुलिस ने जय वाजपेयी और उसके साथ ही राहुल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो जय वाजपेयी और राहुल पर फर्जी पास बनाने को लेकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि जय वाजपेयी अपनी गाड़ी पर सचिवालय का पास लगाकर घूमा करता था। 24 प्रकरण में जो 120 बी की मुलजिम है जय वाजपेयी, उसके कस्टडी से कई सारे गाड़ियां बरामद हुई है, लग्जरी गाड़ी, उनमें से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो कि उसके शीशा पे विधायक का पास लिख के वो सचिवालय के पास चिपका हुआ था। उसमें जांच करने के बाद ये पता चला कि वो डॉक्यूमेंट कूट रचे थे। वहाँ का जो सेक्शन ऑफिसर के ओर से भी ये आधिकारिक रूप से पुष्ट कर दिया गया है कि ये कूटरचित डॉक्यूमेंट है। तो इसी तथ्य पे थाना काकादेव में FIR रजिस्टर किया जा रहा है 420-468 के तहत में जय वाजपेयी और एक राहुल नाम के उसके साथी के दो लोगों को मुलजिम बनाया जा रहा है। इसमें और गहराई से जांच की जा रही है कि किसके माध्यम से इन्होंने कूटरचित पास बनाया है और इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व तो नहीं है संबंध।